नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं, इसमें मूंगफली है। मूंगफली का पेड़ कैसा होता है, पौधा कैसा होता है, आप देखो। ये मूंगफली हमारे खेत में लगी हुई है और मैं आपको रौसा बोलते हैं उसको, नहीं तो कहीं ना कहीं इसको लोबिया की फली बोलते हैं। ये लगी हुई है दोस्तों, देखो ये लगी हुई है लोबिया है, ये आपको देखो लगी हुई है, ये देखो आपको दिख रही होगी, ये लगी हुई है, ये छोटी छोटी फली है। अभी एक बार दो तीन बार तोड़ के बिक्री हो चुकी है, ये देखो लगी है, ये आपको दिख रही होगी। हमारे हरदोई में इसको सलना बोलते हैं, सलना, कहीं कहीं इसको ग्वार की फली बोलते हैं, ग्वार की फली। ये देखो आपको दिख रहा होगा कि ग्वार का पौधा कैसा होता है, आप देखो, ये देखो इसमें लगी हुई भी है, आपको लगी हुई दिख रहे हैं, ये लगी हुई है दोस्तों, ये देखो इसमें। और मैं आपको मूंगफली का भी एक पेड़ उखाड़ के दिखाऊंगा, तिल्ली का पौधा देखो आप लोग। तिल्ली तो खराब हो गई इस साल, बारिश हुई नहीं, बारिश ने तो ये ककड़ी का पेड़ है, ककड़ी लगी तो नहीं इसमें है अभी, एक लगी है, छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा लग रहा है अभी, ये ककड़ी का पौधा है। ककड़ी वो फूट वाली हो जाती है, हमारे इधर हर तो हम फूट बोलते, ककड़ी फूट जाता गांव की भाषा बोल दे। ये तिल्ली आप देखो, ये तिल्ली का पेड़ है, ये तिल्ली इसके अंदर होती है, अभी पक्की नहीं है, नहीं तो पकेगी तो आपको दिखाएंगे। इसको बचाने के लिए हम लोगों ने कैसा साधन बनाया है, हम वो भी आपको दिखाते हैं। ये मूंगफली है, और चलो मैं अपने खेत में दूसरी आइटम दिखाता हूँ आपको दोस्तों। बाजरा भी खड़ा है, हम वो भी दिखाएंगे आपको। ये देखो दोस्तों, ये देख रहे हो आप, जितना ये कटा हुआ है ये सब गाय खा गए ऊपर से, ये देख रहे हो, ये पौधा ये देख रहे हो ऊपर से खा लिया इन्होंने, गाय जो आती है ना आ जाते हैं, ये देखो ये पूरा ये खा लिया पूरा, ये भी खा लिया, ये पूरा खा लिया, क्या करें बेचारे, उनके पास भी पेट है, भोजन तो चाहिए, भोजन के लिए तो हर आदमी अपना पुकार करता है। और पौधा सूख गया है, लग रहा है इसमें दीमक लग रही है, क्या हुआ, शायद दीमक लग रही। इसको मैं उखाड़ता हूँ दोस्तों, देखता हूँ कि इसमें मूंगफली है, देखता हूँ शायद लगी है, ये देखो अभी हाल में ही सूख गया, इसको दीमक पता नहीं क्या हुआ। देखो तो देखो आपकी मूंगफली दिख रही होंगी दोस्तों, ये मूंगफली लगी हुई है, देख रहे हैं इस तरीके से मूंगफली लगती है पौधे, वैसे ये सूख गया, इसमें कोई रोग लग गया शायद, कोई रोग ही लग गया, ये सूख गया दोस्तों, मैंने उखाड़ के दिखाया आपको। और एक हरा पौधा और हम आपको दिखाएंगे उखाड़ के, ये कीड़े लग जाते हैं ना इसमें, तो इस वजह से हो जाता है, इसको ऐसे साफ कर देते हैं हम, तो आपको फली जो है वो सही से दिखाई देगी। सल कीड़े लग गए हैं इसमें तो इसकी वजह से नहीं, वैसे ये एक भरा हुआ पौधा हम आपको दिखाते हैं, ये देखो। खेत बचाने के लिए ये पुराना साधन है, इस पर टीपा पीपा बांध के ये इसलिए रखते हैं, सिर्फ गाय खा जाती हैं। और सामने जो बाजरा आपको दिख रहा होगा, ये बाजरा चिड़िया वगैरह भी खाते हैं, उसके लिए बचाने के लिए ये बनाया हुआ है। तरीके से बैठते हैं इस पे, मैंने आपको चढ़ के दिखाया है, ठीक है, ये पुरानी यादें ताजी करवा रहा है, क्योंकि जो पुराने मतलब पहले के बुजुर्ग लोग किया करते थे उस तरीके से ये किया जाता है। हमारे एटा मैनपुरी इटावा इधर की डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा किया जाता है,
क्योंकि जिधर मक्के की खेती होती है उधर ज़्यादा ये चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ को आपने देख लिया होगा। देखो तोरी लगी है जी। यहाँ देखो दोस्तों, ये तोरी है। इस तरीके से तोरी का पौधा होता है। ये तो इसकी ये होती है ना, ये वाली, ये जो ये स्प्रिंग टाइप से दूसरे पौधे में लपेट लेता है। क्यों? इसलिए इसको सपोर्ट मिलती है। ये देख रहे हो, तोरी अभी लगी हुई है। देख रहे हो आप, ये ऐसी मार्केट में अपने शहरों में नहीं मिलेगी। और ये देख रहे हो, ये तोरी का पूरा पौधा है। देख रहे हो, ये देखो मोटी लगी है। एक जाता मोटी है गई, लेकिन अगर सब्जी बनवा लो। जा देखो, जा देखो, एक थोड़ी लगी जो है, मोटी है और सही है, सब्जी लायक है। याद के दादा दिखा रहे हैं। हाँ देखो देखो देखो, लेकिन दादा सही से पकड़ो। हाँ देखो, दादा हमारे दिखा रहे हैं। इधर दिखी मुझे तो मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ किस तरीके से होता है। पत्ती आ रही सामने, इसमें ये बीज होते हैं और ये होता है, आप देख रहे होंगे। आप देखिए, इसमें ये लगा हुआ, ये बाजरा है। बाजरे का फल है जिसको भुट्टा बोलते हैं। इधर भून के भी खा लेते हैं। बाजरा है और उधर जो है वो मूंगफली है। उड़द का पेड़ है। बस फली इसकी पक गई, अब हम इसको उखाड़ लेते हैं क्योंकि ये पक गया है दोस्तों। अब इसको यहाँ रखना ठीक नहीं, इसको उखाड़ लेंगे। और इधर जो है वो लिपस्टिक, जिस दिन बोया था उसी दिन बारिश भी हो गई। तो जैसे ये खाली सा दिख रहा होगा ना, ये खाली सा, ये बोया तो सब में था, सब कुछ किया, लेकिन जैसे सर में गंजा हो जाता है वैसे ही हो गया। अब बीच में बाल रह गए, साइड में गंजा हो गया। इसमें ये अभी कच्चा है, ये पका नहीं। तो आप देखिए, लेकिन भरपूर नहीं, दाना भरा हुआ है। बारिश इधर कम हुई है तो बारिश की वजह से अब इसमें देख रहे होंगे ये डंडा सा, ये पूरा देख रहे हो सोटा हो गया। ये देखो, ये दाना भरे हुए हैं, पूरा सोट है एकदम। थोड़ा खाली है, बाद बाकी पूरा भरा हुआ है चारों तरफ से। ये बढ़िया देखो, ये इसमें कुछ लगा हुआ है शायद। ये देखो साफ हो गया। तो इसको साफ करके दिखाते हैं हम। इसको देखो साफ करते हैं, इसको साफ कर लिया। देखो ये थोड़ी ये जगह छुटी हुई है यहाँ पे, ये वाली नीचे वाली, बाद बाकी पूरा भरा हुआ है। अगर सब में रहता तो फसल अच्छी हो जाती, लेकिन क्या करे, किसान आदमी इसी में तो मारा जाता है बेचारा। भी लगी हुई हैं, ये अपना कार्य कर रहे हैं। चलो करो, करती रहो, कार्य करना बहुत ज़रूरी है। खाने को चूस लेता है मूँगफली का पौधा। मैं आपको कच्चा उखाड़ के दिखाऊँ, देखो ये है दोस्तों, ये है। देखो आप, ऐसे मूँगफली लगती है। मूँगफली तो खैर अच्छी है, अच्छी लगी हुई है, फसल भी अच्छी है। इसमें दो पौधे हैं शायद, हाँ इसमें दो पौधे हैं, लेकिन फिलहाल अच्छी फसल लगी हुई है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। हम आपको नई नई वीडियो दिखाते रहेंगे, जो भी हमारा कार्य होता है गांव देहात में, हम उसको आपको पेश करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हम वीडियो ख़त्म करते हैं।